गुजरातच्या राज्यपाल असताना नरेंद्र मोदींना सळोखी पळो करून सोडणाऱ्या राज्यपाल कमला बेनीवाल यांना अखेर मोदी सरकारनं घरचा रस्ता दाखवलाय. मिझोरामच्या राज्यपाल कमला बेनीवाल यांची अखेर हकालपट्टी करण्यात आली आहे. बेनीवाल यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यास 2 महिन्यांचा कालावधी बाकी असतानाच त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय. बेनीवाल गुजरातच्या राज्यपाल असताना त्यांचे नरेंद्र मोदींशी लोकायुक्त नियुक्तीवरून अनेकदा खटके उडाले होते. मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर त्यांची गुजरातमधून मिझोराममध्ये बदली करण्यात आली. मोदींनी सूत्र हाती घेतल्यानंतर काँग्रेसच्या मर्जीतल्या अनेक राज्यपालांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. मात्र बेनीवाल यांचं पद कायम होतं. काल राष्ट्रपती भवनातून बेनीवाल यांना पद सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयामुळे विरोधकांमध्ये मोठी संतापाची लाट पसरली आहे. सभी संविधान के अनुसार ही हुआ है. इसमें कोई संविधान का उल्लंघन का सवाल ही है नहीं है. इसमें और कोई विस्तार से जाने का जरूरत नहीं है. ये विशेष अधिकार है और राष्ट्रपति जी ने पूरा इसका अध्ययन करने के बाद ही ये आर्डर जारी किया है. इसके बारे में पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कांग्रेस प्रयास करना अच्छा नहीं है और ऐसा प्रयास करे तो पूरा तथ्य देश के सामने आएगा. कमला बेनीवाल यांना हटवल्यानंतर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. जाणून घेऊयात या प्रतिक्रिया. कमला बेनीवाल गवर्नर कम और पॉलिटिशियन ज्यादा थी. गवर्नर की जो नियुक्तियां होती है वो तो राजनीतिक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है. तो देखिए सरकार बदल गई है और अगर सरकार बदलने के बाद नई सरकार गवर्नरों को बदलती है तो ये परंपरा तो पुरानी है. कांग्रेस पार्टी हो या उसके और भी सरकारें हमारे देश में आई थी सबने यही किया है. ये अच्छा रहता अगर सरकार बदलने के बाद पुराने राज्यपाल अगर इस्तीफा दे देते खास करके गुजरात के राज्यपाल तो अच्छा रहता कि आज उनके ऊपर ये नौबत नहीं आती. उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक खंडपीठ ने फैसला दिया है कि राज्यपालों को राजनीतिक द्वेष से ना ही हटाया जाना चाहिए ना ही उनके तबादले किए जाने चाहिए. तो गृहमंत्री को मुल्क को बताना चाहिए कि एक बहुत ही वरिष्ठ महिला जो जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है पहले उनका तबादला गुजरात से उत्तर पूर्व में किया गया और फिर उनको इस कदर हटाया गया है. इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इस तरह से अगर आप राज्यपालों की तौहीन करते हैं तो राज्यपालों की तौहीन नहीं है, भारत के संविधान की तौहीन है. दिस इज वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स अ पॉलिटिकल वेंडेटा. इट्स अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग व्हिच दिस गवर्नमेंट हैज एक्टेड अगेंस्ट अ लेडी गवर्नर. दरम्यान काय आहे मोदी आणि बेनीवाल यांच्यातला वाद पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना लोकायुक्त निवडीवरून वाद झाला मोदी आणि बेनीवाल यांच्यात. आणि राज्यपालांच्या निर्णयाला मोदींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांनी केलेली निवड योग्य ठरवली. मोदी सरकारकडून बेनीवाल यांची मिझोरामच्या राज्यपालपदी बदली केली गेली. मिझोरामच्या राज्यपाल पदावरून कमला बेनीवाल यांची यानंतर आता हकालपट्टी करण्यात आली आहे.